नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डिजिटल युग का खतरा, डीप फेक। बीते दिनों इंटरनेट पर आए एक वीडियो में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरबा गीत गाते हुए दिखाया गया तो कई सवाल उठ रहे थे। जनता ये जानने को उत्सुक थी कि आखिर प्रधानमंत्री किस गरबा महोत्सव में शामिल हुए। बाद में भाजपा कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि वो किसी गरबा में नहीं गए। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूली दिनों के बाद से लेकर अब तक उन्होंने कभी गरबा नहीं खेला। प्रधानमंत्री ने कहा ये सब डीप फेक से बनाया गया था। उन्होंने आगाह किया कि डीप फेक डिजिटल युग का सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति नहीं है बल्कि देश भर में ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिनके नकली वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं जो बिल्कुल असली दिखते हैं और ये सारे वीडियो डीप फेक से बनाए गए हैं। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, काजोल जैसे कई फिल्मी हस्तियां और अन्य के भी डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन, मृणाल ठाकुर जैसे कई दिग्गज सेलिब्रिटी ने इन मुद्दे पर चिंता भी व्यक्त की है। आज के इंटरनेट के दौर में कई बार गलत खबरें और भ्रामक जानकारियां सर्कुलेट की जाती हैं। अब इसी तरह से वीडियो भी पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें असली और नकली की पहचान करना बेहद मुश्किल है। डीप फेक वीडियो बनाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग करके मीडिया फाइल जैसे वीडियोस, ऑडियो और फोटो भी परिवर्तित कॉपी करके उनको तैयार किया जाता है जो वास्तविक फाइल की तरह ही दिखता है, यानी ओरिजिनल की तरह दिखता है। डीप फेक को मॉक वीडियो का एक रूप कहा जा सकता है। इसके लिए जिसका भी वीडियो बनाना हो उसकी पुरानी फोटो या वीडियो का इस्तेमाल कीजिए जिसमें चेहरे की बारीकियां कुछ अंदाज में फिट की जाती है और एक नया वीडियो एकदम ओरिजिनल बिल्कुल डिट्टो बनकर तैयार हो जाता है। और किसी की बदनामी इस मामले में ऐसे वीडियो बनाकर आसानी से की भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि डीप फेक वीडियो बनाने और फैलने पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जो सजा है वो हो सकती है। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं लगती क्योंकि नकली वीडियो का जो खेल है ये धड़ल्ले से लगातार जारी है और इस पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक होती हुई नहीं दिख रही है और ये डिजिटल युग का नया खतरा भी बनता जा रहा है। आज इसी को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनकी तरफ रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे आर्टिफिशियल वीडियोज जैसे बिल्कुल हूबहू आप एक तरह से देख सकते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि रियल है। और ऐसे कई स्कैम्स, ठगी के मामले भी इस तरह से सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इस तरह के वीडियो सामने आ जाना और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनको किस तरह से साजिशन बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं आप। महेश श्रीवास्तव जी स्वागत करती हूँ आपका। माधुरी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, समाज सेवी है। माधुरी जी आपका भी स्वागत करती हूँ। महेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? महेश जी, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं और इस मामले में बखूबी समझा सकते हैं कि इस वीडियो से कैसे बचा जाए, ये वीडियो कौन बना रहा होता है और अगर इससे बचना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, सोशल मीडिया पर जारी कर दी कि नहीं ये मैं नहीं हूं, ये फेक वीडियो है, लोगों ने मान लिया। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति, एक आम लड़की, उसके साथ अगर ये वीडियो बना दिया जाता है तो वो तो शर्म से पानी पानी हो जाएगी, कई बार तो आत्मघाती कदम उठा लिए जाते हैं ऐसे मामलों में। देखिए, आपका अगर फोटो किसी को मिल जाता है, जनरली फोटो पाना उतनी मुश्किल चीज नहीं रहती, सोशल मीडिया से या कहीं से भी फोटोज निकाल लिए जाते हैं, बिल्कुल हूबहू एडिट करके सिंपल बनाया जाता है। कई टूल्स आते हैं मतलब सिंपल एआई को बनाने के लिए। इसमें ऑडियो मॉर्फिंग होता है और वीडियो मॉर्फिंग होता है। ऑडियो में आपको सिंपल आपकी सेम वॉइस को मैच किया जाएगा और वीडियो में आपको वीडियो मतलब फोटो आपको फेस पे एडिट कर दिया जाता है सिंपल। अब ऑडियो में देखा जाए तो उसको थोड़ी प्रॉपर बारीक से अगर वीडियो को देखा जाएगा तो लिपसिंग मैच नहीं होती है। हम लोग जो बोल रहे हैं वो लगभग लिप्स को आप मैच करेंगे तो लिप्स थोड़ी से डिफरेंट बोलेंगे। जैसे एक मैंने अभी शिवराज सिंह चौहान जी का वीडियो देखा हुआ था, उन्होंने भी कुछ बोल रहे थे कि हम 1250 देंगे और इनको, तो उनकी वॉइस में वो मैच नहीं हो रहा था, मतलब उनकी लिपसिंग अलग चल रही थी। तो ऑडियो मॉर्फिंग में आपको सेम वॉइस को मतलब कन्वर्ट करके आपके किसी ओरिजिनल वीडियो में डाल दिया जाता है। वीडियो में सेम आपको आपके जैसे दिखने वाले किसी भी आदमी को आपके जो आपके बॉडी टाइप का दिखता है उसमें आपका फेस लगा दिया जाता है। ये दो चीज रहते हैं। आपने बताया कि सोशल मीडिया से कोई भी आपके वीडियोस पिक्चर्स ले सकता है, यानी सोशल मीडिया पर तो दुनिया है इस वक्त और सभी के पुराने नए पिक्चर्स हैं ही वहां पर, और गूगल पर तो हम सर्च करते हैं किसी का भी अकाउंट तो नॉर्मली उसके बारे में जानकारी मिल ही जाती है, तो ऐसे में अब इन चीजों से बच कैसे सकते हैं? आपने बताया कि फेक वीडियो कई बार तो हम देखते हैं, अभी जो डीप फेक वीडियो सेलिब्रिटीज के सामने आए थे जिसमें रश्मिका भी शामिल है, काजोल भी शामिल है, उनके तो लिप मूवमेंट कुछ थे ही नहीं, उनकी तो बॉडी मूवमेंट था, उसे कैसे पहचानेंगे?
देखिए ये वीडियो वाला, इसको या तो आप देखिए कुछ टूल्स आते हैं जैसे डीप टेप डिटेक्टर और ऐसे कुछ टूल्स आते हैं, तो वो लगभग आपको अगर उसमें वीडियो में आप उसको अपलोड करेंगे तो वो दिखा देगा कि उसमें फेस में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है, वो रेड कलर के ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो कुछ टूल्स आते हैं जिन पे आप उसको अपलोड करके देख सकते हैं, लेकिन पहली नजर में तो कोई आम पहचान ही नहीं सकता। नॉर्मली हम जब स्क्रॉल कर रहे होते कुछ हमें दिखा, हमने उसको शेयर कर दिया ये जानते हुए कि ये कोई वीडियो है, लेकिन ये हमें भी नहीं पता कि ये फेक वीडियो है या इससे किस तरीके से पहले कोई नहीं चेक करेगा कि वो सही है या गलत है, वो फौरन शेयर करेगा। मुश्किल होता है इसमें, तो ये जाहिर खतरा है। इसके लिए किया क्या जा सकता है, यानी आप क्या मानते हैं प्रशासन को इस मामले में किसी तरह के कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए इसको अगर पकड़ने की कोशिश करें कि कहां से अपलोड हो रहा है, कहां से शेयर हो रहा है, उसके आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाए तो पकड़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो मेनली जिसने अपलोड किया है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, बाकी शेयर करने वाले लोग भी हैं, सबके पास फेक प्रोफाइल है, सब लोग शेयर करते रहते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो आप एआई टूल्स के इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनों को पकड़िएगा? और ये तो बहुत ही मतलब गंभीर समस्या हो चली है कि कैसे आप अपने इमेज को आप बचा कर रख सकते हैं। आप तो ये समझना पड़ेगा कि क्या हम सोशल मीडिया से दूरी बना लें या अपने पिक्चर्स फोटोग्राफ या वीडियोस बनाना बंद कर दें, क्योंकि आपने बताया कि अब इस मामले में पहली प्रायोरिटी में तो कोई नहीं समझ सकता अगर उसने जब तक डीप एनालिसिस नहीं करे, या आप जैसे बता रहे कि कई टूल्स है डिटेक्टर वो उस तरह का इस्तेमाल ना करे, तो पहली प्रायोरिटी में तो उसके लिए एक व्यक्ति की छवि तो उसी तरह बन गई जो वीडियो या फोटो में दिखाया जा रहा है। फिलहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास महेश जी। माधुरी जी हमारे साथ बनी हुई है। माधुरी जी बहुत ही गंभीर मसला हो चला है ये कि किसी को भी आप कैसे समझाएंगे, जब तक आप किस किस को समझाएंगे, और कि डिफॉल्टर आप लीजिए चेक कर लीजिए, ये एक बड़ा खतरा बनता हुआ चला जा रहा है। और किस तरीके से एक चुटकी में बनी बनाई सालों की किसी की भी छवि को जो समाज सेवी है या जो अच्छा काम कर रहा है या जिसने कभी कोई गलत स्टेप नहीं लिया, जिसने कोई क्राइम नहीं किया, उसके लिए तो ये बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल पारुल जी, बहुत चिंताजनक विषय है, लेकिन पहले हमें ये जानने और समझने और सोचने की आवश्यकता है कि आखिर मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह की वीडियो बना क्यों रहे हैं। जिसका मैं समझती हूँ इसका मेन कारण है कि उनके उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, उन्हें प्रचारित करें, उनके व्यूअर्स बढ़े, उनको पैसा मिले। ये तो इसका मेन कारण है इस मीडिया को। और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल एक इतना ताकतवर एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके द्वारा किसी की भी छवि को बढ़ा सकते हैं और चाहे किसी को घटा सकते हैं, है ना। हाँ डीप फेक ऐसे, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये आज तो इतनी क्या है, दिन पर दिन टेक्निक बढ़ती जा रही है। पहले क्या था कि किसी ने, आज हम थोड़े दिन पहले देख रहे थे, किसी ने कोई मंत्री या किसी भी व्यक्ति ने कोई चीज को बोला, अगर उसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो मीडिया उसको बार बार उसी व्यक्ति को बार बार वही क्लिपिंग दिखा रहा है, आगे उसने उसको संशोधन करके बोला। ऐसे भी देखूंगी कि हम अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो यूट्यूब है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर लोग फेमस होने के लिए या उनके यूट्यूब चैनल को ज्यादा व्यूज मिल जाए ताकि उनको ज्यादा पैसा, क्योंकि यूट्यूब से कमाई हो रही है लोगों की, सबको पता है, ज्यादा पैसे मिल जाए, ज्यादा उस वीडियो पर क्लिक आए, लोग ज्यादा देर तक उसे देखें, जितने ज्यादा शेयर होंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये गलत तरीका भी है पैसा कमाने का, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है और आसान कर दिया है इस चीज ने तो। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति सर्वता घातक होती है। ठीक है, ऐसे ही पहले अलग अलग तरीके से वीडियो प्रसारित करके लोगों के व्यूअर्स बढ़ाए, अब उनको और उसमें नई टेक्निक आ गई कि भाई आर्टिफिशियल एजेंसी इस तरीके से काम कर रही है। उसका वैसे मेन जो प्रभाव था आने का कि भाई वीडियो में या पिक्चर में ऐसी क्वालिटी लेना कि लोगों को जब पिक्चर देखें तो उनका एक दृश्य जो प्रभाव उसका एक अच्छा उनको मिले। मान लो कोई हीरो ऊपर से कूद रहा है तो उसका वो उनका अगर डुप्लीकेट उसका काम कर रहा है तो उसका चेहरा दिखे यानी उस समय। इस सब टेक्निक को करने के लिए, उसे प्रभावशाली बनाने इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज इसका बहुत गलत तरीके से आप किसी की भी, भाई आप ऐसे लोगों के मतलब अगर बात करें तो देश के हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की अगर छवि को इस तरीके से धूमल करेंगे तो ये एक देश में भी भयावह स्थिति बनेगी। जैसा आपने बोला ना कि अगर किसी लड़की का किसी का इस तरीके से बना दिया तो वो तो पानी पानी हो जाएगी और मालूम पड़ा कि वो क्या इसमें वो ले ले। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है कि आखिर इसको किस तरीके से रोका जाए, है ना। और पहली बार तो ये कि आजकल जितनी टेक्निक तो अपने पास है कि भाई अगर पहली बार कोई वीडियो कहीं से सर्कुलेट होता है तो वहां से वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो पहले ये देखा जाए कि कोई भी वीडियो का सर्कुलेट पहली बार हुआ है तो आखिर ये हुआ कहां से है,
तो कम से कम उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है ना, और आगे उसको सर्कुलेट होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, जैसा आपने बताया कि 1 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा, अगर ये प्रावधान बन जाता है और इसका वास्तव में सही इसका वो इस्तेमाल होता है इस एक्ट का, तो निश्चित रूप से इसमें रुकावट आ सकती है। और उसको, लेकिन माधुरी जी, इसको पहले भी हमने अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा की है जिसमें स्कैम हुआ, पूरा भोपाल का ही राजधानी का मामला जिसमें पूरा का पूरा परिवार जिसने अपने आप को मौत की आगोश में वो समा गए, उनके साथ जो स्कैम करने वाले लोग थे, ठगी करने वाले लोग थे, वो आज तक नहीं पकड़ा है ना, उनका कुछ वजूद पता चला कि कौन है। ऐसे कितने मामलों को आप पकड़ेंगे और कितने ऐसी कितना ऐसा मामला है, जितने मामले सामने आएंगे किस किस को FIR कीजिए, किस किस को कंप्लेन कीजिए और कहाँ तक ढूंढेंगे? जैसे आप है ना, साइबर क्राइम सभी के लिए एक नासूर बन रहा है ना, कि आप उसको है ना पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, और वो भी नई नई टेक्निक ऐसी ऐसी तकनीक लेके आ रहे हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल है। तो ऐसा ना हो कि इसी तरीके से कहीं ये भी कोई ऐसी भयावह स्थिति ना ले ले कि जिसको बाद में पकड़ना और इसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो अभी अगर किसी चीज की शुरुआत, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़े हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन गए हैं जहाँ बच्चे इसकी बराबर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल आ रहे, जैसे कि हम हमेशा विज्ञान को जितना वरदान मानते हैं उतना अभिशाप भी होता है, और वैसे ही टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए आसानी करती है, हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इन तमाम एप्स का या इन तमाम AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो लाखों का करोड़ों का बजट उनका होता था वो आधा हो चुका है, वो उनको काफी सहूलियत इन पूरी जो तकनीक है उनसे हो रही है, लेकिन वहां ये अच्छा है। कई बार हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर आप अपने AI वर्जन को भेज दीजिए तो आप ना भी हो वहां पर तो आपका वो काम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं महेश जी जिनका इस्तेमाल हो रहा है आजकल, और कई जगहों पर ये फायदेमंद है। लाखों करोड़ों का जो बजट है वो आधे से भी कम हो चला है, लेकिन ऐसे में इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, जो तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोकने का फिलहाल यही है, यही मैं समझ सकती हूँ। आप लोग इस पर ज्यादा अच्छी राय देंगे कि क्या आप वाकई इस मामले में हर एक शख्स को रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर रिपोर्ट करेंगे तो हर आज एक छोटा, हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र के बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो छोटे छोटे बच्चों के भी वीडियोज बन रहे हैं, तो कहां तक रिपोर्ट होंगे ये मामले, और कितने मामले होंगे जिनको सुलझाया जा सकेगा, और कितनों को पकड़ेंगे? सवाल यही आकर खड़ा हो रहा है कि कार्रवाई होगी तो कितनों के ऊपर और कब? ये पकड़ने के लिए भी इनमें क्या हो जाता है कि जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं उनको भी टेक्निकल नॉलेज काफी ज्यादा रहती है, पहले वो लोग कहीं सीखते हैं जी, उसके बाद वो अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए उन्होंने काफी सेफ्टी बरती हुई है कि वो दूसरे के नाम पे उनका सिम इंटरनेट कनेक्शन दूसरे के नाम पे रहता है, IP एड्रेस ट्रैक नहीं होते, नहीं IP भी देखिए क्या रहता है, वो VPN या कुछ दूसरी चीजें यूज करते हैं जिसमें IP को बाउंस कर देते हैं दूसरे कंट्री की, तो वो अपलोड तो कर रहे हैं इंडिया से, बट अगर उसको ट्रेस बैक किया जाए तो वो कहीं US, चाइना, जापान ऐसे अलग अलग कंट्रीज से होके आता है। अब यहाँ से IP जो मिली वो US की थी, अब US में गए तो वहां से पता चला कि वो कहीं और स्पेन या जर्मनी से आ रही है, जर्मनी से गए तो कहीं और चाइना से आ रही है, तो वो इतना बड़ा जाल बना देते हैं IP को बाउंस कर करके कि वो काफी इशू हो जाता है। और आपका एक ये रहता है मैक एड्रेस, उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो इन लोग पहले क्या देखिए, इनकी पूरी टीम है कि वीडियो बनाने वाले अलग है और उसको सेफली अपलोड करने वाले अलग है, जिनको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पर आप मानते हैं कि अगर अभी जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उन्हीं में ही बड़ी कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो जो क्राइम करने वाले हैं, इस तरह की करतूत करने वाले लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा और कम से कम 100 में से 50 लोग ऐसा करने में डरेंगे कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पकड़े गए तो आप कहां तक जाओगे? बिल्कुल, देखिए पकड़ा भी रहे हैं काफी लोग, बट मेरे हिसाब से पुलिस के पास साइबर टीम थोड़ी और अगर ये बढ़ाएंगे तो थोड़ा और हेल्प हो सकता है, क्योंकि एक के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। सपोज साइबर टीम काम करने वाले 50 लोग हैं और केस रोज के 200 आ रहे हैं, तो वो लोग कितना काम कर पाएंगे? अब चोरी ताला तोड़कर नहीं होती है, पिन चुराकर होती है, तो ये बहुत एडवांस्ड अब जो क्राइम है वो हो चुके हैं और किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। माधुरी जी, अब दो तरह की अपील करने की आवश्यकता है ऐसे मामलों में। पहला, कि आप पहली किसी की भी गलत वीडियो देखकर उस पर भरोसा ना करें, और दूसरा, अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम हो जाता है, कोई ऐसी आपके साथ वीडियो कोई बना देता है आपकी, तो उसको रिपोर्ट करें, ना कि आप डिप्रेशन में जाएं, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां बहुत स्मार्ट हैं, वो समझती हैं उन्हें पहला कदम क्या उठाना है, लेकिन कई हमारी ग्रामीण अंचलों की बच्चियां भी हैं और भी जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं या कोई भी, वो पहला कदम उठाने से पहले डरेंगे, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि इमेज, समाज, ये सब बहुत मैंडेटरी हो जाता है वहां पर। माधुरी जी,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बताया बोला बिल्कुल सही है कि एक तो इसका है ना जो जो भी ये इसका जो भी दंड का जो भी एक प्रावधान इसमें रखा जा रहा है उसको बहुत गंभीरता से लेकर वास्तव में उसको किया जाए, तो जो जब तक लोगों में इसका इसका प्रचार प्रसार नहीं हो जाएगा, जो यंग जनरेशन है वो सब इस सब चीजों में ज्यादा लगी हुई है, जो पढ़े लिखे आईटी सेक्टर के जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर हम किस तरीके का काम करेंगे और वास्तव में अगर किया तो हमें इस तरीके की सजा मिलेगी या इसका ये प्रावधान होगा, तो अगर इस तरीके का ज्यादा प्रचार प्रसार हो और 2-4-10 लोगों को इस तरीके की सजा भी हो, जिसको क्या होता है इन चीजों को रोका, कानून का एक डर सब लोगों में बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कानून आखिर बना क्या है ये तो उनको पता होना चाहिए ना। अभी तो वो एक कमरे में बैठ के कुछ तो भी कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस कमरे तक में पुलिस हमारे पास पहुंच जाएगी और हमारे ऊपर किस तरीके के वो लगेंगी दंड लगेंगे। तो अगर ये सब चीजें उनको पता हो जाए तो मामले में कड़ी और बड़ी सजाएं देने की आवश्यकता है और नजीर पेश करने की आवश्यकता है और उस सजा को भी प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि जन जन तक ये संदेश जाए कि आप तकनीक का इस्तेमाल करके भी अगर किसी की जिंदगी खराब करने की कोशिश करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरा कल्पना करिए आपके जैसे चेहरे मोहरे और कदकाठी का कोई व्यक्ति आपके सामने वीडियो में एक्ट करते हुए दिख जाए, कुछ ऐसी पोजीशन में दिखाई दे जैसे आपने कभी किया ही नहीं, ऐसे स्थान पर दिखाई दे जहां आप कभी गए ही नहीं और फिर उसे वीडियो में जो वो कुछ ऐसा आपत्तिजनक करे जो समाज की दृष्टि में असहनीय हो, आपके लिए भी बुरी तरह एम्बैरेसिंग होगा। तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? सबसे पहले जब वीडियो मॉर्फिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ तो बहुत से सेलिब्रिटीज के गंदे वीडियो अश्लील वीडियो सामने आए, लेकिन उन वीडियो में ये साफ पता चलता है कि ये वीडियो फेक हैं। अब डीप फेक वीडियो कितने ओरिजिनल हैं कितने नहीं ये तो आप समझ ही चुके हैं, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कभी भी किसी का भी किसी तरह का कोई आपत्तिजनक गलत वीडियो देखें या आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो शख्स ऐसा कर सकता है तो पहले उस वीडियो की डिटेल में जाएं, उसे शेयर करने से पहले बचिए कि वो सही भी है या नहीं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और ऐसे में उन लोगों को भी ये समझना होगा जिनके अगर वीडियो ऐसे बन भी जाते हैं उन्हें भी समझदारी दिखाने की जरूरत है कि ना डिप्रेशन में जाकर ना कोई गलत कदम उठाकर आप पहला स्टेप रिपोर्ट करें उसे, उसकी कंप्लेन करें ताकि इस मामले में सही कौन है और किसने आपकी इस तरह की कोई वीडियो बनाई है वो पकड़ा जा सके ताकि किसी और के साथ वो ऐसा ना कर सके। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, रहे सावधान। नमस्कार।